हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुप्रीति। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है, हमें ऐसे क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, ऐसे कौन से सुपर फूड्स खाने चाहिए जो हमें ठंड के मौसम में गर्माहट देती है और हमें ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है उनके सेवन करने से। तो सर्दी के मौसम आते ही हमारा लाइफस्टाइल तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, हम ऊनी कपड़े पहनने लगते हैं। बट फिर भी अगर इस कड़कड़ाहट ठंड में थोड़ी सी भी ठंडी हवा चलती है तो हमारे रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं। तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ों की मदद से हम अपने शरीर को गर्माहट दे सकते हैं और हमें ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी, और उन सब चीज़ों के सेवन करने से हमारे शरीर में पोषक तत्व भी मिलेंगे और हमें उन चीज़ों के सेवन करने से हम ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ेंगे और वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं ऐसे कौन कौन से सुपर फूड्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ठंड के मौसम में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्करकंद। शक्करकंद इन सर्दियों में किसी खास तोहफे से कम नहीं है। शक्करकंद में मौजूद कैलोरीज और हाई न्यूट्रिएंट्स से हमें ज़बरदस्त एनर्जी मिलती है। शक्करकंद में पोटेशियम, फाइबर और विटामिन ए का ये बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है, और इसके नियमित रूप से सेवन करने से हम कब्ज, इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन की समस्याओं से हमें ये दूर रखता है। तो दूसरा जो सुपर फूड है वो है खजूर। खजूर एक ऐसा लो फैट फूड है जो आपके शरीर में वजन को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देगा। न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस खजूर जिम जाने वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इसे डेली अपने डाइट में शामिल कीजिए, ये आपके शरीर को सर्दियों में बहुत ही गर्म रखेगा। तो तीसरा जो सुपर फूड है वो है बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट को हमें हमेशा अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि बादाम के खाने से ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखती है और ये हमारे दिल से जुड़ी सभी समस्याओं को ठीक करती है। और अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, और ये बादाम और अखरोट सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर को गर्म भी रखता है। तो अगला जो सुपर फूड है वो है मूंगफली। मूंगफली सर्दियों में खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप अपने डाइट में इसे ज़रूर शामिल करें, क्योंकि मूंगफली जो है ये मिनरल्स और विटामिन को आपके शरीर में पूरा करने में मदद करती है और ये आपके शरीर को सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा गर्म भी रखती है। तो सबसे आखिरी जो सुपर फूड है वो है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और ठंड के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। इससे हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती है, रिस्क जो रहता है वो कम हो जाता है। आप हल्दी वाले दूध में चीनी की जगह शहद का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि शहद की जो तासीर रहती है वो गर्म रहती है। तो ये थे 6 सुपर फूड्स जो इस ठंड के मौसम में, इस सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आप ज़रूर ट्राई करें इसे अपने घर पे। और आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।